उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। भाई आज हम आए हुए हैं द पिच, इन्होंने हमें इनवाइट किया था। अब द पिच का सीन क्या है मैं आपको बता दूं, ये एक इंडोर क्रिकेट फैसिलिटी है जहाँ पे इनके पास मल्टीपल नेट्स है, बॉलिंग मशीन है जो 150 तक की स्पीड से आपको बॉल करवा सकती है। साथ साथ इनका अपना कैफे भी है, अगर खेल खेल के आप थक जाओ, भूख लग रही हो तो इनके लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ क्यों आए। भाई इन्होंने एक PSL मील लगाई थी जिसमें 6 बॉल पे 20 रन बनाने थे और आपका मील फ्री था। उसमें जितने भी विनर थे ना, जितने भी चैंपियन थे, जितने अच्छे लड़के खेलते थे, आज उनको बुलाया, उनका मुकाबला है हमसे। 10 ओवर का मैच होगा, 10 ओवर वो बैट करेंगे, 10 ओवर हम बैट करेंगे और पता चल जाएगा कि उनमें से और हम में से कौन इंडोर का किंग है। उम्मीद मुझे अपने बॉयज़ पे है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जोजी, नवेद पठान और कुछ बॉयज़ नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी टीम इतनी केपेबल है कि हम यहाँ से टूर्नामेंट उठा के लेके जा सकते हैं। टॉस हो गया है, पहले उस टीम की बैटिंग है, वो 10 ओवर बैटिंग करेंगे, फिर हमारी बैटिंग आएगी, हम उसको चेस करेंगे। उम्मीद अभी तक यही है कि इंशाल्लाह मैच जीत के जाएंगे। अच्छा तो भाई ये जो इनके पास लगा हुआ ना, इनका स्कोर कार्ड लगा हुआ, ये हाईएस्ट रन गेटर का है यहाँ पर। ये बेसिकली हमारे पास लीडर बोर्ड था कि वो लोग जो कि 4 ओवर में मैक्सिमम रन कर सकते हैं उनका जो है नाम लीडर बोर्ड पे आएगा। सही सही सही, सर्टिफिकेट दिया जाएगा एप्रिसिएशन का। अच्छा अच्छा, अब मुझे आप ये बात बताएं कि ये जो पिच है ये फैमिली पिच पे लगी हुई है, मतलब ये जो पिच है ये पिच नंबर 1 हमारे पास फैमिलीज के लिए, फैमिलीज में जैसे बच्चे या जो फीमेल्स होगा जिनको खेलने का शौक होता है वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए हमने ये पिच डेडिकेट की हुई ताकि फीमेल्स और बच्चे वगैरह यहाँ पे आके मतलब लड़कियाँ भी खेल सकती हैं, बड़े उम्र के हज़रात भी खेल सकते हैं। इसके बराबर वाली पिच का बताएं थोड़ा सा मुझे, ये वाली, ये वाली पिच सेकंड पिच है, ये सबसे बड़ी पिच है। अच्छा, इंटरनेशनल साइज से थोड़ी सी बड़ी पिच है। सही है सही है। और साइड पिच पे मतलब ये दोनों जो है सिर्फ जेंट्स के लिए या लड़कों वगैरह के लिए, ताकि वो जो है फैमिली पिच को डिस्टर्ब नहीं करे। अच्छा, ये विकेट थोड़ा तेज है जी, ये पिच जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है ना बॉल सीम होता है, आप जो है ना जब बैट्समैन खेलता है तो उसको पता चलता है कि बॉल कैसे स्विंग हो रही है। अच्छा, हमारा मैच यही होगा। अच्छा, और बच्चों के हवाले से, जो छोटे बच्चों के हवाले से आप बता रहे थे। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि मशीन से जो है ना वो 8 साल से बड़े बच्चे या 8 साल से बड़ी उम्र के खेलते हैं, तो 8 साल से जो छोटे वो क्या करेंगे, तो हमने बेसिकली छोटी सी जो है बच्चों की जो है छोटी सी यानी कि कार्ट कह लिए, गाड़ी कह लिए, ताकि जो है ना पेरेंट जब वहाँ पे अपना बैठे होंगे यहाँ पे, जो हमारे कोच वगैरह जो है बच्चों को जो है उनको जो है इंगेज रखेंगे किसी ना किसी एक्टिविटी में। गुड हो गया। उसके साथ साथ जो है अभी एक और बात कि हमारे पास जो है समर कैंप स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, जिसकी फीस है 6500। आपकी वीक में 3 दिन क्लास होगी और उसके अंदर जो है बच्चों को जो है ना A to Z सारी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग के बारे में जो टिप्स होगी वो दी जाएंगी और उनको जो ना प्रोफेशनली उनको तैयार किया जाएगा। सही है। और ये जो आपका पूरा ये जो इक्विपमेंट है ये प्रॉपर सैनिटाइज वगैरह होता है जी? हमारे पास जो है ये डेली सैनिटाइज होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो है अपना पिच का जो है ब्रांडेड है, जैसे गार्ड है, गार्ड हमारे पास जो है वो ओवर द पैंट से पहनने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखा दे। जैसे ये गार्ड है, जैसे गार्ड है ये जो है ओवर द पैंट वाला गार्ड है, मतलब इनर लगाने की जरूरत नहीं, हाइजीन का इशू नहीं होता। और यहाँ पे ग्लव्स वगैरह जो है वो डेली सैनिटाइज होते हैं ताकि कोई भी हाइजीन का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ क्रिकेट के अलावा अगर किसी को भूख लगे तो क्या सेटअप है? अब देखिए, जैसे ये यहाँ पे लोग जो भी आता है वो जब खेलेगा तो उसको खाएगा भी। सही है। तो ये पाकिस्तान में सबसे पहला फ्यूजन था इंडोर क्रिकेट का और कैफे का। सही है। कैफे के जो है ना हमारे बेसिकली जो है कॉफी कैफे है, कॉफी कैफे जिसके अंदर मुख्तलिफ बेवरेजेस और स्नैक्स वगैरह होते हैं। जब इंसान खेलेगा तो जाहिर सी बात है उसको चाय या मुख्तलिफ ड्रिंक्स वगैरह की जो है जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोगों ने कैफे बनाए। ये पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला ये प्रॉपर कैफे आप। अच्छा, आपका जो वो लगा हुआ था मेन्यू दिखाएं मुझे वाला, दिखाएं। ये देखिए, बेसिकली जो है हमने जो हमारी टीम है उसके ऊपर बेस करते हुए जो है जितने भी हमारे चार्जेस हैं, जैसे कि अगर सिंगल प्लेयर खेलना है तो आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं, अगर मल्टी प्लेयर आपको मैच खेलना है और आपकी स्कोरिंग जो है वो स्कोर बोर्ड पर होगी तो आप मैच भी खेल सकते हैं। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम ही लेके आए कि जिसके अंदर मल्टी प्लेयर यानी मैचेस भी खेल सकते हैं, आप अपनी टीम्स बना सकते हैं। अच्छा, चार्जेस कहाँ से स्टार्ट? चार्जेस जो है वो 180 से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि 2 ओवर आपका 180 है, 4 ओवर 350, जैसे जैसे ओवर बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे चार्जेस कम होते जाएंगे। सही है सही है। आप जीत गए, हम क्या करें, हम बॉलिंग कर रहे हैं, हम चेस करेंगे। आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने इनको पहले बैटिंग दी है, देखते हैं कि इनके बॉयज़ कैसा खेलते हैं, क्योंकि ये भाई ये किंग है यहाँ पे, ये खेलते ही हैं। अभी हम ज़रा देखते हैं ये कितने रन करते हैं, पर उस हिसाब से हम लोग खेलेंगे। थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा हम पे, सही है भाई। मैच स्टार्ट हो गया और 2 रन है भाई पहली बॉल पे। ओ डॉट बॉल, 2 बॉल 2 रन, 4 हो गया भाई, 3 बॉल 4 6 रन। ओ बाबू जी,
ये क्या था? एक रन है। एक ओवर में 11 रन हो गए, 11 रन बना लिए उन्होंने भाई, एक ओवर में 11 रन बना लिए हैं बॉय ने। ओ कुछ भी नहीं है भाई, ओ चौका ही। ओके ओके ओके, एक रन है भाई ये। चार है भाई। अरे मुझे क्यों मार रहे हो भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कितने कम पाए? 25। दो ओवर 25 रन, 25 रन, दो में 25 हो गए भाई। यार कोई खतरनाक बॉलिंग करो, कुछ करो यार। भाई अब नया बंदा चले गया, सीन ये है कि एक बंदा सिर्फ दो ओवर खेल सकता है, पहले दूसरा भाई खेल के गया था, अब ये दूसरा भाई आ गया। चलो भाई तीसरा ओवर का पहला बॉल, एक रन। ओ डॉट बॉल है भाई, एक है भाई, तीन बॉले दो रन। ओहो एक रन, चार बॉले तीन रन। गुड ओवर यार, गुड ओवर, गुड ओवर। कितने हो गए, कितने हो गए रन? चार हो गए, 34। चार 34, 34। बेहतरीन ओवर करा है इस आखिरी वाले बॉलर ने हमारे। खापा वेल बॉल यार, वेल बॉल। चार ओवर 34 रन हो गए, अब ये दूसरे भाई बैट्समैन आए और देखते हैं ये कितने रन करते हैं। हम अपनी जगह पे दोबारा जा रहे हैं। एक रन भाई, ड्राइव बड़ी प्यारी मारी है भाई ये। आवत आउट हो गया, माइनस टू है भाई, मर्दी आउट लो या माइनस टू दो। ओ हाँ, ओ एक रन। बस थोड़े कम काउंट करना। 46, 6 ओवर 46। ये वैसे अपना बॉलर सही कर रहा है, 36 बॉलर पे। अबे अली भाई यार क्या कर रहे हैं? चार है भाई, ये तो सही खेल रहे हैं। कितने हो गए 8 ओवर में? 69 हो गए। ओ भाई 69 हो गए, घबराहट हो रही है मुझे। बन जाएंगे 69 8 ओवर में। वेरी वेल प्लेड यार अली भाई, क्या बात है यार, बहुत आ रहा है अली भाई। अली भाई ने रन कर दिया, वरना तो 50 भी नहीं होती। 8 ओवर 69 रन है भाई। वाली बॉलिंग कराए ना जो करवा रहे थे यार। माइनस टू चले, एक रन। 93 हो गए, 94 का टारगेट है, 94 का टारगेट 10 ओवर में। वेल प्लेड बॉय, वेल प्लेड, बहुत आला यार, गुड बैटिंग यार भाई, बहुत आला। 60 बॉलों पे 94 है, तो हर ओवर में 10 रन भी लिए ना 6 बॉलों पे, तो मैच जीत जाएंगे। और विकेट नहीं देनी है, हाँ विकेट देने की कोशिश, माइनस ना हो, बाकी दो बाउंड्री हर ओवर में लेनी है। बिली जी ना कि निगेली, वॉइस तैयार हो रहे हैं हमारे। 10 ओवर में 94 रन चाहिए और इंशाल्लाह हर ओवर में 10 रन करना है, इंशाल्लाह इजीली बन जाएगा भैया। बस मुंह पे नहीं मार देना मेरे, खुदा के वास्ते इसी मुंह पे आते हैं व्यूज, असल में मसला ये। 10 ओवर में 94 का विन है और मुझे लग रहा है अली भाई ने कुछ लगा दिया है मशीन में। मेरी बारी में अगर इन्होंने तेज बॉल करवाई ना, मैं एहतजाज करूंगा। शाबाश दिल, नॉट सही है, शाबाश लग जाएगा। Yeah! Go! Yeah! Yeah! Yeah!
ओवर 16 रन यार। खैर है कुछ नहीं बात, हारिस भाई कर देंगे कवर। हारिस भाई 16 रन है करके आना इंशाल्लाह भाई, 20 से ऊपर ही देने इसमें। भाई अब हमारे हारिस भाई जा रहे हैं, दो ओवर में 16 रन किए मैंने, ये थोड़ी सी डॉटे हो गई मुझसे। शाबाश हारिस भाई, चलो भाई शुरू हो गया। चार हो गया, चार हो गया भाई, सही है सही है। दो रन है, सही आरिफ भाई चौक तो, अरे बहुत ज्यादा खेल रहे हो। जब आरिफ भाई एक आ जाएगी, कितने हो गए? 4 ओवर 48 रन, बहुत आला यार आरिफ भाई, वेल प्लेड यार। शाबा भाई, शाबा 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 भाई। 4 में 48 होगा, कितने रह गए अंदाजा तो लगाओ। 50 नहीं ना, पागल हो क्या? नहीं ना, 94 बनाए थे आप लोगों ने। 94 है तो 98, 46 रन रहेगा। 46 ना, 46 रन रहेगा। 6 ओवर में 46 रह गए, मतलब 36 बॉल पे 46 रन है। कर कर आना बाबू, 6 ओवर में 46 रन चाहिए बस कवर पे। ओ यहाँ पे चौके ना मारियो और टेबल वाला मत खेलियो, सही है। नहीं है नो डाउट बाबू, क्या हो गया यार। मिड इन ओवर खेल गया यार ये, 70 मार। छे यार, अच्छा चौका है, चौका है। अरे भाई ये किसको भेज दिया, ये तो अद्धा है। कोई बात नहीं, इसने तो अगली टीम को जिता दिया। 6 ओवर में कितने रन हो गए? 53 हुए थे, -51। 6 में 51 है, 6 ओवर में 51। बात सुन, ओए क्या हो गया? 4 ओवर में 43 यार भाई, बल्ले से लगाई हो यार, बल्ले के लिए बोले। बॉल बाहर आ गया, चौका चौका हो गया, चौका हो गया यार, मेरे हाथ पे लगी है यार। चार हो गया। माइनस नहीं करवा देना, 8 ओवर में 69 मतलब 2 में 25 रह गए तकरीबन भाई। 2 ओवर में 25 2 में 25 यार। हारिस भाई यू हैव टू डू इट भाई, थोड़ा आसरा कर देना यार। बना लोगे अब आपको समझ में आ गया है। चलो सही है, सिंगल बल्ले से लगाने, नहीं बल्ले से लगाना यार, 140 ही करना यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
भाई सीन ये है कि हमारा जो मैच था ना वो ड्रॉ हो गया है। अब हारिस भाई एक ओवर बैटिंग करेंगे, एक बैटिंग उनका बैट्समैन करेगा, सुपर ओवर हो गया तो देखते हैं सुपर ओवर में कौन जीतता है। भाई ज्यादा रन नहीं करने हैं, हमारे पे आसरा हल्का हाथ रखना है, ठीक है, बस 10 रन कर दें। सुपर ओवर स्टार्ट। दो बोले चार रन। और चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होल्ड हो गया। 14 रन का विन मिला है हारिस भाई को। इंशाल्लाह उम्मीद यही कि हारिस भाई बना देंगे क्योंकि हारिस भाई को बॉल अच्छा टप रहा है। एक मिनट। वेरी वेल प्लेड यार हारिस भाई, यार बहुत आला बॉयज, बहुत आला भाई। थैंक यू अली भाई, वेरी वेल बैटिंग यार। हारिस भाई जैसा दूसरा मिल ही नहीं ढूंढने को भाई, क्या बात है यार भाई, क्लैपिंग हो जा। भाई मैच खेलने के बाद ये मेन्यू हमारे सामने आया है और ये है भाई हारिस भाई, पिज्जा पराठा सिंगर हो गया, ये रोस्ट है चिकन रोस्ट हो गया, और ये जो है ना बड़ा जबरदस्त चीज है, ये मैजिक चीज है, और बीफ बीफ बर्गर है। जब ये उठेगा ये उठेगा बहुत मजा आ रही है। इंडियन बहुत जबरदस्त है तो मुझे तो बहुत अच्छी जगह, फैमिली के लिए अलग सेपरेट प्लेस है। तो आप जरा टेस्ट करें और बताएं कैसा है। कर लेता हूँ, और जो जैसी परफॉर्मेंस बाबू की है ना उसको सिर्फ चिप्स मिलने चाहिए। हाँ बाबू कह रहे हैं जिस तरह की तुम्हारी परफॉर्मेंस है तुम्हें सिर्फ चिप्स मिलने चाहिए। यार आप आज आपने आप बैटिंग मिस कर दी है भाई। साउथ भाई आज आप देखना बैटिंग। साउथ भाई चलो भाई आप खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कैसा है टेस्ट। ऑनेस्ट रिव्यू आना चाहिए हारिस भाई, वैसे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा टेस्ट है, बहुत मजे का, सो गुड। मैंने भी खाया ही नहीं। तुम तो खाओ, तुम तो चेक करो। ये क्या है? बीफ लोडर जी सर, बीफ लोडर। ओहो क्या बात है हारिस भाई, ये भी जरा यूनिक लग रहा है मुझे। हारिस भाई बीफ लोडर चेक करें जरा, ये बताएं कैसा लगा आपको। बेहतरीन अली भाई, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा है, बीफ लोडेड है और अंडा भी है, मेरे को अंडे वाला। देख रहे हैं आप बाबू, ये वाला तुम खा के देखो, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। ओहो भाई साहब, हारिस भाई ट्राई करें, आप करें सबसे पहले। ये जो है ना ये देखो माशाल्लाह, ये हमने ये चम्मच में भी वैरायटी दिया, जो बात है। अच्छा अली भाई क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? आइसक्रीम, ये आइसक्रीम कुकी कहलाता है। अच्छा इसके ऊपर दो फ्लेवर की आइसक्रीम है, सही है, नीचे कुकी है और उसके अंदर कैडबरी है, कैडबरी चॉकलेट है। भाई इनका फास्ट फूड खाया था, बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत यूनिक है, और जो इनका डेजर्ट है उस वो भी आउटस्टैंडिंग है। अगर यहाँ आए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वर्थ इट है भाई, बहुत ही हारिस भाई यूनिक लगा है हमें। नहीं नहीं बता बताओ बताओ, चलो छोड़ो, कह रहे हारिस भाई आप बताओ।
सॉरी सॉरी एक यूनिक चीज हो ये बेल बजाऊंगा नोटिफिकेशन आ गया भाई नोटिफिकेशन आ गया भाई आप चाहिए तो आप बताएं क्या चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए भाई हम यहाँ से बेल बजाएंगे नोटिफिकेशन वहाँ शो होगा और वो आपको जो भी होगा बैलेंस खत्म नहीं होता इसमें बैलेंस खत्म नहीं होता अच्छा अच्छा ये भी सही था आरिफ भाई हमारा भाई आप मुझे बताएं कैसा फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के खैर थोड़े आप बताएं आरिफ भाई पहले अली भाई की स्लैपिंग हो जाए एक को इनवाइट किया मैच खेला हमारी बीमारी भी थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त की और फिर जीतने के बाद ट्रॉफी जीतनी बहुत ही आला खाना था भाई और इसके साथ साथ ये स्पेशल गिफ्ट है भाई हमारी तरफ से आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए क्योंकि एज अ क्रिकेट लवर भाई ये बहुत यूनिक चीज़ लगी है इंशाल्लाह इसको अपने रूम में ज़रूर लगाएंगे फ्रेम करके क्या बात है यार क्या बात साउथ ने बहुत क्रूशियल रन करे थे मेरे भाई हाँ बहुत अला यार माशाल्लाह से ये आपकी तस्वीर है नीचे इसमें भाई ये साउथ की है अच्छा तो चलो भाई क्लैपिंग कर लो तो भाई यहाँ पे हम लोग सीरीज जीत गए सीरीज बोले या मैच बोले या जो हमारा कंपटीशन था वो हम जीत गए सर्टिफिकेट्स बॉयज को मिल चुके हैं ये हमें बहुत स्पेशल बैट मिल चुका है साउथ बॉय कैसा लगा यहाँ पे आके खेलने यार बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा। मजा आया यार और इनका खाना एक्सीलेंट सही है और एम्बियंस इतनी अच्छी थी हाँ। बाकी चीजें मशीन इतनी अच्छी है और सबसे पहले जो एंड में खाना इन्होंने दिया ना मैं कैफे सबसे बेहतर ये था सही है प्रॉपर बाकी सारी चीजें उसके बाद जो कैफे था इनका बहुत अच्छा खाना था उसमें सब ठीक हो सब चीजें बहुत अच्छी थी बहुत अच्छा एम्बियंस था यार आप लोग आरिफ भाई आप बताएं कैसा लगा आपको यार देखो सबसे पहले तो पिच बहुत जबरदस्त थी नया बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नया फर्श जला हुआ है घर बन रहा है और फिर मीठा जो था वो भी बड़ा जबरदस्त और आखिर में जब इन्होंने ट्रॉफी दी है ना सबसे अच्छी बात इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं सबसे अच्छी बात है सबसे अच्छी बात है इनके पास सबसे बुरी बात है इक्विपमेंट्स पूरे हैं और हाइजीन का उन्होंने बड़ा ख्याल रखा माशाल्लाह माशाल्लाह हाइजीन से याद आया आप बताएं कैसे चलो यार खैर बॉयज वेल प्लेड यार अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर लो यार आ जाओ भाई